So guys, this is Kamil and you are watching K Production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप CapCut वीडियो एडिटिंग ऐप में अपने वीडियो को सेव कर सकते हो गैलरी में, और साथ में मैं आपको ये भी बताया कि बेस्ट क्वालिटी में कैसे आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और सीधा चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको दो फायदा होगा। सो कैसे, तो एक तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप वीडियो को कैसे सेव कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर, और दूसरा ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप CapCut का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से CapCut को ओपन कर लेते हैं, और CapCut ओपन करने के बाद आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से मैं अपना वीडियो ऐड कर लिया, आप देख सकते हो, और यहाँ से आप अपना वीडियो को प्ले कर सकते हो। और सबसे पहले जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हो अपना वीडियो, एडिटिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा ट्यूटोरियल बनाया है, और मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी बनाया है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि किस तरीके से आप इस ऐप के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तो आप ऊपर में आई बटन चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं हम इस वीडियो को कैसे सेव कर सकते हैं। सो मान के चलो आपने वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट कर लिया, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हो ये मिलता है 1080p, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है रेजोल्यूशन, और नीचे मिलता है फ्रेम रेट। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, सो ये आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे यहाँ पर 1080p शो हो रहा है, हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर ये 2K शो हो या 4K शो हो, अगर आपका डिवाइस अच्छा है तो 4K तक शो हो सकता है। तो मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पर 1080p आ रहा है हाईएस्ट रेजोल्यूशन, और यहाँ पर आप देख सकते हो मिलता है, मैं आपको दिखाया था, यहाँ पर मिलता है हाई डेफिनेशन द अल्टीमेट व्यूइंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ से हमें 1080p चूज़ करना है, और उसके बाद आता है फ्रेम रेट। सो फ्रेम रेट आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे आपको उतना स्मूथ वीडियो देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर आप फ्रेम रेट को 60 चूज़ कर लेना, सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्मूथर प्लेबैक, यानी कि जितना ज़्यादा आप जो है फ्रेम रेट को इंक्रीज़ करेंगे आपका वीडियो उतना स्मूथ प्ले होगा, देखने में उतना अच्छा लगेगा। तो फ्रेम रेट को 60 चूज़ कर लेना, या अगर आपका डिवाइस पूरा लो है तो आप यहाँ से 30 चूज़ कर लेना। सो मेरे हिसाब से आपको 60 चूज़ करना चाहिए, और मैं हमेशा 60 चूज़ करता हूँ, ठीक है। जस्ट आपको इन दोनों सेटिंग करना है, उसके बाद आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जब एक्सपोर्टिंग होता है तो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ नहीं करना है, और साथ में आपको जो यहाँ से बैक भी नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका वीडियो जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके गैलरी के अंदर। सो आप देख सकते हो सेव हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस कॉर्नर पर डन का ऑप्शन मिलता है, तो डन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोबारा आ जाएंगे सेव के होम पेज पर। तो अभी हमारा वीडियो हमारे गैलरी के अंदर सेव हो चुका है, मैं आपको गैलरी पर जाके भी एक बार दिखाया था। सो आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा कैमरा नाम का, और कैमरा नाम के फोल्डर के अंदर ही आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा। सो आप देख सकते हो वही वीडियो जो वीडियो हमने CapCut के अंदर अभी एक्सपोर्ट किया था। सो इस तरीके से आप जो है CapCut के अंदर वीडियो सेव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।